हाय बच्चों, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? बच्चों आप लोग चैट में लिख के बताएं प्लीज, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? एम आई ऑडिबल विजिबल? नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से बच्चों, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? ओके, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? चलो तला, यस, ओके। सो लेट अस सी बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरे 45 डेज तक वो हम लोग कंटिन्यूअस रहेंगे और बीच में कुछ लीक भी हो सकती है दीवार होली के वक्त। बाकी हमारा पूरा प्रैक्टिस सेट चलेगा, नीट प्लस बोर्ड, यानी जब नीट का एमसीक्यूज करा दिया करेंगे तो सेशन के लास्ट में कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस भी देख लिया करेंगे, ठीक है? तो हमारा नीट प्लस बोर्ड कंबाइंड चलेगा 18 तारीख को, तो मेरे ख्याल से 19 को बोर्ड का एग्जाम भी है। उसके बाद वही 5-6 दिन की छुट्टी रहेगी, वरना 2 मई या 3 मई तक ये प्रैक्टिस चलेगी। चलिए, तो सेशन के लास्ट में बोर्ड के क्वेश्चंस भी, मतलब ऐसे टाइप क्वेश्चन भी 3-4 कर लिया करेंगे। चलिए देखते हैं। ओके बच्चों, डन, हाय, गुड। चलिए स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। याद रहे कि एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ हम डिस्कस करते हैं, एक तरह से समझ लीजिए कि आप पूरा चैप्टर ही पढ़ लेते हैं टॉपिक से रिलेटेड। चलिए, तला मैं ऑडिबल हूँ विजिबल हूँ, तला ने बताया, आलिया परवीन यसर नूर फातिमा, दोस्तों को शेयर करें, जिन दोस्तों को पता नहीं चल पाया है उन दोस्तों को शेयर करें, ठीक है? एक बार कैमरा को देख ले प्लीज, तो सब ठीक है बेटा, लोग इस चीज को शेयर करें, ठीक है? चलिए, पहला क्वेश्चन है इवोल्यूशन। पहले इवोल्यूशन सुनिए भाई, इवोल्यूशन के मतलब क्या होता है? पहला ही क्वेश्चन इवोल्यूशन से है बच्चों, इवोल्यूशन से। चलिए इवोल्यूशन का क्वेश्चन तो हम देखेंगे पहले, उसके बाद आप आंसर चेक पे दीजिए। पहले हम समझते हैं इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। 90% बच्चे क्या पढ़ते हैं? स्लो एंड रिदमिक चेंज ड्यू टू विच सिंपल ऑर्गेनिज्म ट्रांसफॉर्म इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, यही ना? मतलब हिडन पोटेंशियल को लाना इवोल्यूशन है। एक्सप्रेस द हिडन पोटेंशियल, मीनिंग इसका हुआ इवोल्यूशन का, हिडन पोटेंशियल को एक्सप्रेस करना क्या होता है बच्चों? इवोल्यूशन। चलिए पहला क्वेश्चन है, द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस इन्फ्लुएंस्ड, एकदम एनसीईआरटी की लाइन है ये बच्चे, एनसीईआरटी की लाइन। नहीं तला, गलत गलत बेटा गलत। एक्चुअली यहाँ पे ए भी होना चाहिए था, 1 2 भी आप कर सकते हो। चलो तला गलत बेटा, इतिशा भी गलत गलत, सब लोग गलत। अब कॉन्सेप्ट सुनो, द राइट आंसर विल बी द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस इन्फ्लुएंस्ड डार्विन। यस, मेहर फातिमा ने सही बताया था, नूर फातिमा ने सही, तलाह नहीं बेटा। अब सुनो, अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को सुनो, क्योंकि सारे बच्चों ने इसका आंसर गलत बताया। सुनो पूरी कहानी गौर से सुनना, तीन साइंटिस्टों का नाम आपको याद रखना है इवोल्यूशन चैप्टर से, नीट और बोर्ड दोनों के लिए। आप जब लिखेंगे तो आंसर में दम दिखेगा, कॉन्सेप्ट को समझिए बेटा, नहीं मिलेगा कहीं इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट। सुने, डार्विन, लेमार्क, लेमार्क पहले डार्विन, डार्विन से रिलेटेड तीन साइंटिस्ट, डार्विन, वेलेस, मैल्थस। मैल्थस आपको बता दूं कि मैल्थस ने कहा था कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज ग्रेट कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर ऑफ स्प्रिंग, और जब बच्चे बहुत पैदा होते हैं तो रिसोर्सेस लिमिटेड है, वहां पे रिसोर्सेस लिमिट कर देती है पॉपुलेशन को। ये किसने कहा था? मैल्थस ने, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। थॉमस मैल्थस ने ये बात कही थी कि ऑर्गेनिज्म बहुत बेबी पैदा कर सकते हैं लेकिन रिसोर्सेस क्या है बच्चे? लिमिटेड हुआ करते हैं। रिसोर्सेस क्या हुआ करते हैं? लिमिटेड, और उस रिसोर्सेस लिमिटेड होने की वजह से पॉपुलेशन कॉन्स्टेंट हो जाती है। ये बात किसने कही थी? मैल्थस ने। अब मेरी बात सुनो, मैल्थस का एक बुक था प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, इनकी लिखी गई एक बुक थी मैल्थस की, उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। तलाक ध्यान तो सुने, मेहर फातिमा ने बहुत सही बताया है, नूर फातिमा ने भी सही बताया, बाकी अंशिका कहाँ गई?
इतिशा गलत बताई थी यहाँ बेटा, डोंट वरी सेल्वी भी आ गई है। ओके अंशिका नहीं दिख रही है मुझे, चलिए तो मैं क्या बता रहा था और संगीता भी, तो मैं क्या कहता कि थॉमस मैल्थस ने क्या कहा था पहले ये सुनो, थॉमस मैल्थस ने ये कहा था, फिर मैं डार्विन पे ला रहा हूं। थॉमस मैल्थस ने ये कहा था कि भाई दुनिया में हर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज ग्रेट कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर ओन काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग, हैज ग्रेट कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर ओन काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग, लेकिन वो ऑफस्प्रिंग बहुत ज्यादा बढ़ती तो रिसोर्सेज उसको क्या करते थे, लिमिट्स, क्योंकि रिसोर्सेज अनलिमिटेड तो है नहीं, लिमिटेड रिसोर्सेज है ना, तो फिर उनमें कंपटीशन होता है और कांस्टेंट पॉपुलेशन होते है। ये बात मैल्थस ने कही थी और मैल्थस का बुक है प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, मैल्थस ने एक बुक लिखा था प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, इस बुक से इंप्रेस हुए थे डार्विन, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन इस बुक से इन्फ्लुएंस हुए थे डार्विन और ये एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी में लिखा है इवोल्यूशन चैप्टर में कि द वर्क ऑफ थॉमस मैल्थस इन्फ्लुएंस डार्विन। ठीक है प्यारे बच्चों, दोस्तों को शेयर करो बच्चे, मजा आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आई। अच्छा तो मैं क्या बता रहा था, अच्छा अब मेरी बात सुनो, डार्विन बेचारे एक जगह से गलपा एचएमएस बीगल नाम के जहाज पे शिप पे वॉयस पे निकलते हैं, बनने को शौक था, देखो जिसको जो शौक होता है ना वो करता है, मुझे शौक था कि भाई मैं ऑनलाइन अपने बच्चों को एक बार पढ़ाऊं आज की दुनिया में, ऑफलाइन का तो अल्हम्दुलिल्लाह बादशाह था मैं और हूं भी, तो ऑनलाइन में मैंने शुरू किया था, मेरे पास क्या बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है, नो शुरू किया क्योंकि मेरा शौक था कि बच्चों को घर बैठे ही पढ़ा दूं और शौक को फुलफिल करना हो ना। डार्विन का भी शौक था नेचुरल चीजों पर रिसर्च करना, उसने एचएमएस बीगल पे क्या किया बच्चे, जॉब ज्वाइन कर ली, बहुत अमीर अमीर लोग थे नहीं उसमें, गरीब नादान गरीब लाचार आदमी भी पढ़ने वाला शामिल हुआ और वो हर आइलैंड पे रुकते हुए शिप जा रही थी, दुनिया घूमनी थी उस शिप से, डार्विन उस शिप से गलापागोस आइलैंड गए और गलापागोस आइलैंड गए और वहां पे और वो इन्फ्लुएंस हुए, पहला किसी से इन्फ्लुएंस हुआ था माल्थस की बुक से, दूसरा डार्विन किससे इन्फ्लुएंस हुए, जब उस शिप पे घूमने जा रहे थे गलापागोस आइलैंड में क्या देखा, यू बड़ी बड़ी टोर्टोइस, बड़े बड़े टोर्टोइस थे जायंट, उससे भी वो इंप्रेस हुए, तीसरी चीज किससे इंप्रेस हुए, फिंचेस चिड़िया बर्ड्स, उन्होंने कई वैरायटी ऑफ बर्ड्स देखी, एक्चुअली वो स्पीसीज थी अलग अलग, कई वैरायटी ऑफ बर्ड्स देखी, बाद में उनको उस वक्त पता नहीं चला कि अलग अलग स्पीसीज है, बहुत सारे चिड़ियों को देखी, क्या देखा यार सारे चिड़ियों का चूंच अलग अलग बीक अलग अलग, हैरान रह गए, तीन चीजें इन्फ्लुएंस की। तो बच्चे आप ये याद जरूर रखिएगा इवोल्यूशन से बोर्ड के लिए भी और नीट के लिए भी कि पहला डार्विन किससे इन्फ्लुएंस हुआ था, मैल्थस के बुक से, बुक का नाम क्या था प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, दूसरा किससे इन्फ्लुएंस हुए थे जब वो गलापागोस आइलैंड पे गए तो फिंचेस देख के बर्ड्स जिनकी बीक डिफरेंट डिफरेंट थी, तीसरा किससे इन्फ्लुएंस हुए थे होड़ा सर से, नहीं होड़ा सर तो थे ही नहीं उस जमाने में, ये कब की बात है बेटा 1831 में मेरे ख्याल से आई एम राइट कि इस शिप निकली थी 1836 में वो वापस आए थे, 5 साल की जर्नी थी। तीसरा किससे इंप्रेस हुए, पहला तो बुक से, दूसरा फिंचर से, तीसरा टोर्टोइस से, जान टोर्टोइस, समझ गए, मजा आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है कहानी कैसी लगी डार्विन की, उसको डार्विन फिंचेज कहा, तो डार्विन तीन चीजों से इन्फ्लुएंस हुए थे याद रखिएगा, मैल्थस की बुक से, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन से, दूसरा ज़ियान से, टोर्टोइस से और तीसरा ब्लैक फिंचेज से। हाँ शादिया कर रही है, अमेजिंग, थैंक यू आप लोग, देखिए सुबह से 4 घंटे की क्लास लेके तो मैं ऑलरेडी आ रहा हूं हमदर्द से, तो एकदम थके आ रहे, बस थोड़ा सा पानी पीने का मौका मिला और बस आपके लिए मैं हाजिर हो गया। ठीक है ओके चलिए, वो क्या नाम है, तलहा है क्या बेटा, ओके शादिया भी है,
यया ओके आलिया परवीन ओह थैंक यू आलिया ग्रेट हूं मैं तो चलिए मैं हूं नहीं आप लोग बस मोहब्बत है आप लोगों की चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा लोग तलाई यस सर तलाई ये कॉन्सेप्ट समझ में आई बेटा बहुत दूर है आप बिहार से ज्वाइन कर रहे हैं इसलिए आपसे ज्यादा मुखातिब हूं मैं तलाश आप समझ पा रहे हैं चलिए ठीक है तो ये पूरा कॉन्सेप्ट तलाश याद रखिए आज मेरा स्पीच भी वहां इसी पे था ठीक है चलिए तो ये तीन बातें याद रखिए डार्विन किससे इंप्रेस हुए थे तीन बात माल्थस की बुक से ज़ियान टर्टुलियस से और तीसरा फिंचेस से डार्विन फिंचेस भी कहा गया चलिए तो यहां पर क्लियर हो गया बेटा जिन लोगों ने यह बताया था गलत ओके चलो बेटा अगला क्वेश्चन पे चलते हैं आप लाइक की बटन प्रेस करते रहिए दोस्तों से शेयर करते रहिए तो मेरा मूड फ्रेश रहेगा इतनी थके होने के बावजूद भी मैं एकदम फॉर्म में रहूंगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो सेकंड नंबर क्वेश्चन लेकिन मुझे ना एक वो भी चाहिए था चलिए सेकंड नंबर देख लेते हैं पहले इकोलॉजी से ये क्वेश्चन है बताइए बेटा लो आंसर इसका इकोलॉजी को क्वेश्चन 12 क्लास की इकोलॉजी रॉबर्ट मय जो थे इकोलॉजिस्ट कहा है इफ यू एक्सेप्ट मय ग्लोबल एस्टीमेट ये तो स्पेसिस डाइवर्सिटी कितनी है कितना कहा था उन्होंने रॉबर्ट मय ने स्पेसिस डाइवर्सिटी तला क्या बोल रहे हैं वन यस यस महक आ गई यस सादिया वन वन यस यस देखो भाई अलग अलग लोगों ने अलग अलग एस्टिमेशन दिया था सबसे साइंटिफिक एस्टिमेशन रॉबर्ट मय का माना जाता है 7 million सो दिस इज राइट आंसर गॉट इट बच्चे मेयर फातिमा मनीषा पांडे यस वन गुड गुड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये देखिए इन द गिवन डाइवर्सिटी आप बताइए इफ बी रिप्रेजेंट बर्ड्स देन ई देखो बेटा अगर ये बी बर्ड्स को रिप्रेजेंट करती बोर्ड के लिए तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इकोलॉजी का ये ग्राफ ये बर्ड्स को रिप्रेजेंट करती है अगर बर्ड्स को तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है एम्फीबियन बर्ड्स मेमल फिशेस तला फिशेस गुड गुड मैं शादिया पीछे रह जा रही है यस मैं फतमा व्हाट यस सर और बाकी अंशिका आलिया ये सब नहीं जवाब दे रही है ऐसा जवाब हो कि बाकियों से आगे फिशेस फिशेस यस अच्छा तला आपने क्या फिशेस यस Yes, ये जगह फीसेस की है ये बोर्ड और नीट के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है क्लास 12 में ना तीनों ग्राफ पूछ लेता है बच्चे फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में इवन नीट में भी अगर ये बर्ड्स है तो ये क्या होगा फीसेस अब इस ग्राफ को देखें अगर ज्योति ने बनाया हो तो हाँ इस ग्राफ को देखिए इस ग्राफ को एनसीईआरटी से ली गई ग्राफ है बिल्कुल और एग्जाम में आ सकते हैं बिल्कुल इसलिए मैं चाहता हूं इसको एक्सप्लेन कर दूं देखो बच्चे सबसे पहले तो वर्टिब्रेट हो या इनवर्टिब्रेट हो इसमें सबसे ज्यादा स्पेसिस ज्यादा 70% इनके होते बेटे इंसेक्ट होते हैं अब इनमें भी इन वर्टिब्रेट में ये इंसेक्ट है ये मोलस्का ये क्रस्टेशियन है ये क्या क्या याद रखोगे ये कैसे याद रखोगे एमसीओ हमेशा याद रखना कि इस ग्राफ में ऐसे चलेंगे इंसेक्ट से तो एमसीओ 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 ठीक है एमसीक्यू क्वेश्चन होता है ना उसे याद रखना एमसीओ तो तुम्हें याद रखें कि इंसेक्ट है मोलस्का है क्रस्टेशियन है और अदर एनिमल ग्रुप्स है और यहां पे ये देखो ये क्वेश्चन था बर्ड्स ये है तो ये वाला हिस्सा क्या है बेटा यही क्वेश्चन में था ये क्या है फिशेस ये एम्फीबियन है ये रेप्टाइल्स है ये मैमल्स है ठीक है बेटा क्लियर और ये जो प्लांट्स में भी ये देखना फंजाई और एंजियोस्पर्म बिल्कुल रट जाना इस चीज को इस ग्राफ को क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं प्यारे लोग हम लोग कहां पे थे ये तो हो गया इस क्वेश्चन पे आते हैं ठीक है द आइडिया दैट चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं और इसमें कुछ आपको कॉन्सेप्ट भी बताते हैं हम चलिए द आइडिया दैट लाइफ ओरिजिनेट प्री एक्सिस्टिंग लाइफ इज रिफर्ड टू एज देखिए बच्चे पहले इसके बारे में कहानी सुन लीजिए विदुषण की अगर मैं बात करूं तो लाइफ कैसे शुरू हुई दुनिया में ओरिजिन कैसे आई पहली थ्योरी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन चार पांच थ्योरियां एनसीईआरटी में लिखी है बेटा और आप सबको देख लीजिएगा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन
स्पेशल क्रिएशन। ये थ्योरी बताती है कि देखो दुनिया में जो चीज है एज इट इज था, एज इट इज है और एज इट इज रहेगा। कोई सुपर पावर है जो इस दुनिया को बनाया है। देखो हम सब लोग जो भी रिलीजियस लोग हैं इस थ्योरी को आज भी मानते हैं और कल भी माना जाता रहेगा। ये हमेशा ये साइंस से परे है। तो उस जमाने के पॉप लोगों ने भी ये थ्योरी दी थी, इसको उतना एक्सेप्ट नहीं किया गया साइंटिफिकली। दूसरा दिया गया थ्योरी ऑफ पंचपर्मिया, थ्योरी ऑफ पंचपर्मिया, पंचपर्मिया। बच्चे ये थ्योरी कहता है कि लाइफ कम फ्रॉम सम अदर प्लैनेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्पोर। एम आई ऑडिबल? मजा आ रहा है बच्चे? लाइक की बटन दबाए। जब मैं बहुत देर हो जाता है आपसे गुफ्तगू किए हुए तो ऐसा लगता है कि बस मैं अकेले बोले जा रहा हूं, इसलिए आपसे मुखातिब होता हूं। इतिशा यादव कह रही है यस सर, थैंक यू इतिशा फॉर गिविंग आंसर। नूर फातिमा बड़ा जल्दी जल्दी आंसर बता रही है आप, आपका आंसर तो सही है। नूर फातिमा ने सही बताया। चलिए तो हम अच्छा देखो एक बात यह भी है ना यार कि थोड़ा बात करते रहेंगे, थोड़ा मजे में पढ़ते रहेंगे ना तो बोरियत फील नहीं होगी। पढ़ाई को स्ट्रेस लेना ये सबसे पहले अनसक्सेस की सीढ़ी है। ये तुम घबरा कर पढ़ना हो नहीं, कूल होके मजे में। हाँ अपने वक्त को गलत जगह जाया ना करें, ठीक है बेटा? अपने वक्त को गलत कामों में जाया ना करें, पढ़ाई आराम आराम से करें, मस्ती करके करें, खेल कूद के इशू नहीं है, ठीक है? चलिए गुड गुड ओके। मेहर फातिमा क्या भूल गए मेहर फातिमा? चलिए तो मैं ये बोलता रहा था कि प्री एक्सिस्टिंग, हाँ तो थ्योरी ऑफ पंचपर्मिया कहती है कि किसी और प्लैनेट से लाइफ आके तो भाई स्पोर्ट की फॉर्म में आ गई, ये भी एक्सेप्टेड नहीं हुआ। उस जमाने के एस्ट्रोनॉमर इस थ्योरी को दिए थे। फिर थ्योरी कहा गया स्पॉन्टेनियस जनरेशन, कि भाई लाइफ ना मड से पैदा हुई, मड और स्ट्रॉ से। इस थ्योरी को गलत किसने किया था? लुईस पाश्चर ने। क्या कहा था? लुईस पाश्चर ने गलत किया था। एक सोन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उससे कहा था कि नहीं नहीं लाइफ ना प्री एक्सिस्टिंग लाइफ से डेवलप हुई है। और प्री एक्सिस्टिंग लाइफ कहां से आई? लुईस पाश्चर ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। लुईस पाश्चर ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा, ठीक है ना? मैं अगर एक ब्रीफ हिस्ट्री दूं आपको इवोल्यूशन की, आप दूं एक इवोल्यूशन की ब्रीफ हिस्ट्री, पहले रुकिए ये क्वेश्चन करा लेते हैं फिर हम देते हैं आपको। तो लुईस पाश्चर ने डिसमिस कर दिया, नहीं ओके। तो प्री एक्सिस्टिंग लाइफ इज रिफर्ड टू, इसको कहते हैं बायोजेनेसिस। ये कहती है कि लाइफ प्री एक्सिस्टिंग लाइफ से आया है। और अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस वाज कंफर्म्ड बाय लुईस पाश्चर। क्या बेटा? लुईस पाश्चर, लुईस पाश्चर। अब मैं एक ब्रीफ हिस्ट्री देना चाहूंगा मैं आप लोगों को बेटा, लोग इसको देख लीजिए जरा कैसे क्या हुआ था, ये कहानी भी सुन लीजिए। ये लोग थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन दिया गया, पंचपर्मिया दिया गया कि स्पोर्ट किसी प्लैनेट से आई है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन था कि लाइफ मड और स्ट्रॉ से पैदा हुई है, नहीं तो इसको गलत भी कर दिया था लुईस पाश्चर ने। सोन वो एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया था कि नहीं लाइफ, फिर लुईस पाश्चर ने कहता कि लाइफ कम फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग लाइफ। उसके बाद ओपेनहाइमर ने क्या कहा था, अलाने ने, ओपेनहाइमर ने क्या कहा था बेटा लोग, के लाइफ जो आई है ना वो केमिकल इवोल्यूशन के थ्रू आई है। कैसे आई है बच्चे? केमिकल इवोल्यूशन। ओपेनहाइमर ने कहा था कि लाइफ जो आई है, हम ला रहे थे, इन्होंने कहा था कि लाइफ जो आई है वो कैसे आई है? बाय केमिकल इवोल्यूशन, यानी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन देने के बाद गलत हो गया, स्पॉन्टेनियस जनरेशन गलत हो गया, थ्योरी ऑफ पंचपर्मिया गलत हो गया। तो इन्होंने कहा कि भाई केमिकल इवोल्यूशन। कैसे भाई केमिकल इवोल्यूशन? कहा था कि पहले जो थी कार्बन थी, हाइड्रोजन थी, नाइट्रोजन थी, हाँ और ऑक्सीजन थी, ये फ्री कंडीशन में नहीं थी। ये मिलकर पहला इनऑर्गेनिक चीज क्या बना? अमोनिया, फर्स्ट इनऑर्गेनिक चीज, फर्स्ट इनऑर्गेनिक। उसके बाद ऑर्गेनिक चीज क्या बना पहला? मीथेन, फर्स्ट ऑर्गेनिक। उसके बाद बच्चे बहुत सारे, उसके बाद प्रोटीन बने, एक्सोज बने, शुगर बने, ये सब बनते गए और इससे बड़े मॉलिक्यूल भी बने, बड़े मॉलिक्यूल भी बने और उनको क्या कहा गया? क्वासरबेट्स कहा गया। क्या कहा गया? क्वासरबेट्स।
फिर प्रोटोबायोंट सेल बने, फिर सेल बने, फिर प्रोकैरियोट्स बने, फिर यूकैरियोट्स बने। यूकैरियोट्स में पहले पॉलीफेरा बना, पॉलीफेरा से सिलेंडर आटा बना, ऐसे चलते हुए पूरी इवोल्यूशन मेमल्स तक पहुंची। और मेमल्स में भी ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रालोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, नियंडरथल में होमो सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस बना। क्लियर? क्लियर बच्चे? मजा आया पूरी इवोल्यूशन की शॉर्ट में सुन के? कहां से कहानी शुरू हुई थी बेटा? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन से। कहानी खत्म कहां हुई? इंसानों पे। यानी कहानी बनाई किसने, खत्म किसने की? इंसानों ने। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है बेटा लोग। अच्छा इतिशा लिखती है ह्यूमन लोग, अनूर फातिमा लिखती है बिल्कुल सर फंसास्टिंग, मैं फातिमा हूं। यस, तो मैंने फिर एक बार बता दूं कि देखिए सबसे पहले कौन थ्योरी दिया था? स्पेशल क्रिएशन। याद कर लीजिए बोर्ड के लिए, स्पेशल क्रिएशन में लाइफ किसी सुपर पावर ने पैदा किया। फिर थ्योरी ऑफ पंचपर्मिया, लाइफ किसी प्लैनेट से स्पोर के फॉर्म में आई। फिर थ्योरी ऑफ स्पोनटेनियस जनरेशन, लाइफ मर्डोर से पैदा हुई स्ट्रॉ से। फिर इसको गलत लुईस पाश्चर ने किया। फिर ओपेनहाइमर ने क्या कहते हैं कि लाइफ केमिकल इवोल्यूशन से निकली। फिर केमिकल इवोल्यूशन में क्या बताया कि सीएच हाइड्रोजन नाइट्रोजन से फिर अमोनिया बनी, फिर मीथेन और हाइड्रोजन से नाइट बने, हाइड्रोजन से नाइट बने, इनसे बने लाइफ। और उसके बाद प्रोटीन बने, सुगर्स बने, ये सब कंबाइंड होकर कुआ सर्वेट बनाए। कुआ सर्वेट मतलब जायंट मॉलिक्यूल बनाए। उस मॉलिक्यूल के बाद आगे बनी क्या चीज? प्रोटोबायोंट सेल, फिर प्रोकैरियोटिक, फिर यूकैरियोटिक और फिर ह्यूमन बींग। पूरा क्लियर हो गया? आगे बढ़ो बच्चे। मिलर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया था, ठीक है? रेशियो याद रखिएगा, मीथेन अमोनिया और हाइड्रोजन का। चलिए मिलर एक्सपेरिमेंट में नेक्स्ट क्वेश्चन में चले बच्चे। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लेट अस सी ये क्वेश्चन, देखते हैं इस क्वेश्चन को, इकोलॉजी से ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं कहां से है प्यारे बच्चों, इकोलॉजी से है। चलिए लाइक की बटन आप लोग क्लिक करते रहिए तो मेरा मूड फ्रेश होता रहेगा। इस क्वेश्चन को पहले खुद पढ़िए, क्योंकि बच्चों का कहना यह भी होता है ना कि सर आप क्वेश्चन के स्क्रीन से हटते रहिए तो हम आंसर कैसे दें। आप लोग मेरा डिस्क्रिप्शन में मेन चैनल के वो है क्या कहते हैं उसे, टेलीग्राम लिंक है, आप वहां से टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जहां पे सारे नोट्स वगैरह चाहें तो हो सकता है। यही समझ में आ रही है? चलिए, इन जनरल ए एंड बी अपीयर टू बी मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन सी। बताइए हर्बीवोर्स कार्निवोर्स प्लांट, इनमें से ऐसा बताना है कि दो चीज ना कंपटीशन जानते हैं ना, कंपटीशन का मतलब क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंस दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। प्रेजेंस ऑफ वन ऑर्गेनिज्म अफेक्ट्स द या उसके में कमी करता है, इसको हम क्या ब्लर है? ब्लर है बेटा, क्या सबको ब्लर है? सबको ब्लर है या क्लियर ही क्लियर है बेटा? या यार नो सर से मैं क्या समझूं कि ब्लर है या नहीं है? इट इज क्लियर और नॉट? ये लिखिए, यस इट इज क्लियर एंड ऑडिबल, इट इज ऑडिबल एंड विजिबल, क्लियर है ये लिख रहे हैं, क्लियर है। ओके ओके, तो फिर बेटा मेहर आपके तरफ से कोई इश्यू रहा होगा आप प्लीज। ओके ओके, सेल्वी भी है। ओके सेल्वी कहां थी आप? सेल्वी भी है नहीं, सेल्वी सेल्वी के लिए एक शेर सुनिए, मैं आफ्ताब हूं डूब के निकलता हूं, मैं आफ्ताब हूं डूब के निकलता हूं। मतलब आफ्ताब मतलब क्या होता है उर्दू में? आफ्ताब का मतलब होता है सेल्वी सूरज, सूरज डूबता है उसके बाद निकलता है, समझ गई? इसलिए चलिए अंदर में तलाक कहते हैं कि फोर ऑप्शन सही है। तला बताइए, ये 11th क्लास का क्वेश्चन आ गया है। चलिए इसमें बताइए तलाक कहां पे सही है, क्या बोले तलाक? तलाक कहां पे? तलाक कह रहा है कि इन जनरल ए एंड बी अपीयर टू बी मोर अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन सी। बच्चे बात सुनना, कंपटीशन में हर्बीवोर्स में ना और प्लांट्स में ज्यादा कंपटीशन होते हैं, कार्निवोर्स में कंपटीशन,
नहीं होते। तो तलाब बता रहे हैं मेहर भी कुछ आंसर आई नहीं मेहर की तरफ से। हर्बीवोर्स और प्लांट्स, यस तलाब सही बताया, इसका मतलब फोर सही है, तलाब टू गलत गलत बता रहे हैं आप। टू, अच्छा टू में क्या है, बी हर्बीवोर्स और प्लांट्स, ये भी तो वही है भाई, यहां क्या पूछ रहा है, ए और बी, ए और बी, हाँ ये सही है, एग्जैक्टली टू सही है बेटा। लोग क्योंकि देखिए ये भी ख्याल रखेगा बच्चे, ऐसा भी होता है कि आपको आंसर सही हो लेकिन ऑप्शन में इशू, ये सही है हर्बीवोर्स और प्लांट्स कंपटीशन होना तो ये बेचारे ज्यादा इफेक्टेड होते हैं, कार्निवोर्स उतनी ज्यादा इफेक्टेड नहीं होते हैं। ओके तो आंसर आपका ये टू सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 11 से रिलेटेड है, हम सिर्फ अभी फोकस 12 पे कर रहे हैं बच्चे। तो अब आइए इसमें, द फॉर्मूला ऑफ एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ इज, बताइए ये आप सिलेबस से कट गया है, फर्स्ट चैप्टर का है ये, जो पुरानी बुक होती थी ना उसके फर्स्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन है, तो अब तो अब ये है नहीं तो इसको आप रिमूव कीजिए, नए सिलेबस से डिलीटेड है, गलती से वो टाइप हो गया है। अब मेरी बात सुनिए बच्चे, आलिया कह रही है कि सर ब्लर है लेकिन आप शाइन कर, नहीं नहीं बेटा शाइन तो, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, द फॉर्मूला फॉर एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ इज, डीएनडीटी डीएनआरएनडीटी क्या है बच्चे बताओ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन होता क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता क्या है। देखो बच्चे एक्सपोनेंशियल, यस इसमें सही चार नहीं है बेटा, डीएन अपॉन डीटी डीटी, यस सही चार है, कौन है ये बच्ची सही बताइए, चार ऑप्शन सही है, मेहर फातिमा भी सही, सेल्फी भी सही, मनीषा पांडे भी सही, यस ये सही आंसर है, डीएन अपॉन डीटी, डीएन अपॉन डीटी इक्वल टू आर एन। बच्चे आर का मतलब क्या होता है, बर्थ माइनस डेथ, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है। देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ग्रोथ क्या होता है, जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो ना और तब ऑर्गेनिज्म बढ़ते जाए, पॉपुलेशन, यार एक बात बताओ पॉपुलेशन रुकेगा कब, जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे वहां तो पॉपुलेशन अनलिमिटेड बढ़ते जाएगा, जब पॉपुलेशन अनलिमिटेड बढ़ते जाएगा तो जाहिर सी बात है ऐसे ग्रोथ को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं, जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो तो। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्या दुनिया में ऐसा हो सकता है कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड होना, नहीं है ना, इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। फॉर्मूला है dn / dt rn, ये 12th क्लास के लिए भी बहुत नॉन रियलिस्टिक है, यस मेहर फातिमा सही लिख रही हैं आप, नॉन रियलिस्टिक है, तो ये फोर्थ सही है, dn / dt = rn। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे लोग, ओके यस वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, और जैसा कि फिजिक्स का पेपर रहा है बच्चे उसको देख के तो यही लगता है कि इस क्वेश्चन को नीट के लिए नहीं बोर्ड के लिए भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन को अक्सर और बेहतर बोर्ड में बच्चे इस क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में ये मेंशन है, और चलिए इसको पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए बेटा लोग क्या है आंसर दीजिए इसका, मैथमेटिक्स का थोड़ा यूज करते हैं, मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं तब आप देखिए क्या क्वेश्चन है। After poaching three lions in certain forest, तीन lions को आपने मार दिया गुजरात के forest में, only 15 are left in a year, 15 ही बचे हुए year में, time भी दे दिया, determine the death rate, बच्चे death rate या birth rate कैसे निकाला जाता है, जो total death होता है ना upon initial population, total death upon death rate कैसे निकाला जाता है, death rate total डेथ अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन बताओ, टोटल डेथ अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन, तो इसका आंसर सही तलाश सही बताया आप, सही बताया, यानी कितने थे इधर, देखो बच्चे गलती क्या करेंगे, ये क्या कर रहा है, द अचीवर 3/15 गलत, फंस गया था बेटा जाल में, 3/15 नहीं होगा, गलत भाई, तीन डेथ कर गए, अब 15 बचे हैं, यानी इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी, 18 थी ना बच्चे, यस पलक बोल 18, यानी 3 ओपन कितने होंगे 18, तो आंसर 3 सही है, मनीषा पांडे भी सही बता रही है, 3 इज करेक्ट, 0.3 ओपन 18, 3 डेथ कर गए, टोटल पॉपुलेशन कितनी थी 18, 15 प्लस 3 18, नूर फातिमा ऑप्शन सी ठीक है बेटा, गॉट इट, अंशिका शर्मा ओके ठीक है,
अपने दोस्तों को शेयर करें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शुरू के बनिस्बत 2-3 कम हो रहे हैं, मोटिवेशन कम होती जाएगी मेरी, फिर बढ़ गए, कंटिन्यूअस बने रहे, मजा आएगा। 18 अभी एटलीस्ट 10 दिन है बायो के एग्जाम में, 12 दिन, मजा आएगा बहुत सारे। और नीट के लिए भी, सीयूईटी के लिए भी, सब चीज के लिए फायदेमंद है दोस्त। कहा है आप लोग, चलिए अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओ मैंने इस पेपर को हटा दिया, चलिए आइए इधर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए बच्चे लोग, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोएवोल्यूशन, कोएवोल्यूशन का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है बच्चे बताइए। तला, नूर, फातिमा, इसमें थोड़ा सा हटके ट्रेंड से, आपके बुक से कोएवोल्यूशन का पहले मतलब समझिए, बताइए सबसे बढ़िया कोएवोल्यूशन क्या होगा इसमें। आलिया, परवीन, यस ऑल ऑफ देम, लेकिन अगर इनमें सबसे बेस्ट देखा जाए ना तो ये बहुत बेस्ट है। आपको पता है ऑप्शन 4 भी सही है, इसमें भी पाया जाता है कोएवोल्यूशन। कोएवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म के साथ साथ दूसरा ऑर्गेनिज्म भी ग्रो किया, ताकि एक दूसरे से हम क्या रह सके, जीवित रह सके, एक दूसरे से मिलके शेयरिंग कर सके चीजों को, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, कोएवोल्यूशन। क्या कहते हैं, कोएवोल्यूशन, ठीक है। अच्छा एक और टर्म मैंने कल बताई थी, स्पीसीज टू स्पीसीज इंटरेक्शन, ये भी याद रखिएगा। फिग एंड वास एग्जाम्पल का खेल है सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा लोग, ये चलिए इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीड पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे सिंपल भी आ सकता है, आपको याद है ना, फोर क्वाड्रेंट, देखिए क्वेश्चन वही से, एक्सटिंक्शन ऑफ स्टेलर सी काउ इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, हैबिटेट लॉस, ये आया हुआ नीट में PYQ का क्वेश्चन है बच्चे, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए ये बताइए इसको, द एक्सटिंक्शन ऑफ स्टेलर सी काउ इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, किस रीजन से स्टेलर सी काउ खत्म हुई बताइए, रीजन क्या था स्टेलर सी काउ के खत्म होने का। यस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, व्हेन नीड बिकम्स ग्रीड इट कॉजेस ओवर एक्सप्लॉयटेशन, या आपको किसी चीज की जरूरत है, ठीक है आप नेचुरल रिसोर्सेस को यूज कीजिए, लेकिन जैसे ही नीड ग्रीड बनती है ना, दिस इज कॉल्ड ओवर एक्सप्लॉयटेशन, और स्टेलर सी काउ के एक्सटिंक्शन होने की वजह ही थी ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एम आई राइट। तो बच्चे आप जरूर याद रखिएगा, चार जो होता है एविल क्वाड्रेंट, चार वो चीज है अभी तक चार वो चीज है जिसकी वजह से डाइवर्सिटी खत्म होते जा रही है। पहला हैबिटेट लॉस है, आप एमेजोन का जिक्र कर सकते हो उसमें, किस लिए लोग, ये भी याद रखिए किस वजह से काटी जा रही है, सोयाबीन की कल्टीवेशन और केटल्स के लिए, सोयाबीन की कल्टीवेशन और केटल्स के लिए हैबिटेट लॉस किए जा रही है। यार किसी के हैबिटेट लॉस कर दोगे तो कहां जी पाएगा, नंबर वन। नंबर टू, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जब किसी चीज को आप अपने नीड के लिए यूज करोगे दैट्स गुड, लेकिन जब नीड ग्रीड बन जाती है आप उसको हद से ज्यादा किल करने लगोगे तो दिस इज कॉल्ड ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तो ये भी जरूरत नहीं है। और थर्ड क्या है, एलन स्पेसिस इन्वेशन, कई बार क्या होता है कि आप अपनी जिंदगी जी रहे हो, कोई बाहर से स्पेसिस आ जाए, सिकलिड, नील पर्च, याद है ना सिकलिड और नील पर्च का एग्जांपल एलन स्पेसिस में जरूर याद रखिएगा। एलन स्पेसिस, कोई बाहर से स्पेसिस आ गई तो जो नेटिव स्पेसिस थी वो खत्म हो जाती है, ये एलन स्पेसिस, कोएक्सटिंक्शन, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, अगर एक खत्म हुआ तो वो भी खत्म हो गया। नहीं है गाना, तू गगन है मैं हूं साया, तू गगन है मैं हूं साया, तू नहीं तो मैं कहां हूं, समझ रहे हो मेरी बात को। यार कोई चीज है गगन, उसका साया है, साया यू नो शेडो, साया उर्दू में कहते हैं, तो ये जो गगन है उसका शेडो है, तो गगन ही नहीं तो शेडो कहां से होगा, वही कोएक्सटिंक्शन, एक दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट। क्या था आशा, तलाब बोल रहे थे कि रिमिंग नहीं बन रही है, रिमिंग बन गई, तू गगन है मैं हूं साया, तू नहीं तो मैं कहां हूं, अच्छा फिर नहीं बनी, लेकिन शेर में जरूरी नहीं कि रिमिंग बने। ये क्या कह रहे हैं कि नहीं बनी, चलिए कोएक्सटिंक्शन, तो बेटा ये चारों को ना एविल क्वाड्रेंट कहते हैं, ये याद रखिएगा, बोर्ड में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तो एकदम एनसीईआरटी बेस्ड हो गया है, थोड़ा वो 2-3 क्वेश्चन उसके कॉन्सेप्ट पे है तो आप आराम से कर सकते हैं। हाँ तलाब, मजा आ रहा है शायरी में,
क्लास बोरिंग नहीं लगनी चाहिए बच्चे, एकदम जान फूंक के रखनी चाहिए। अच्छा आलिया सर जो आप कह दो वही सही, थैंक यू आलिया फॉर ब्लाइंड फेथ। लेकिन कभी किसी पे ब्लाइंड फेथ नहीं किया था करना चाहिए, हम भी कर सकते हैं। चलिए वाह तला के बाबा, बेटा आलिया दिल लगा के पढ़िए, बस मेरी खुशी वही है आप लोग अच्छी जगह पे पहुंच जाए, एम्स में जगह बना ले, दुआएं मेरी आपके साथ है हमेशा, तो बस और मुझे क्या चाहिए, आप लोग मेरी तारीफ करें ना करें फर्क नहीं पड़ता है। चलिए लेकिन तारीफ करें तो मोटिवेशन मिलती है। चलिए आगे आइए। ओके तो बच्चे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्लास बोरिंग हो जाएगी इसलिए हम थोड़ा इंटरटेन करते रहते हैं कि बच्चे बने रहे, नहीं यार दुनिया की सबसे रुखी सुखी चीज क्या है, पढ़ाई, इस उम्र में पढ़ाई, जब तुम मेरे उम्र में आओगे पढ़ाई दुनिया की सबसे अच्छी चीज है। बिल गेट्स रोज बुक पढ़ते हैं, वो मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के मालिक रोज बुक पढ़ता है बंदा, अभी तक पढ़ता है, बिलियनर्स बन गए बुक पढ़ पढ़ के। लेकिन तुम्हारी एज में ना बुक पढ़ना ज्ञान लेना नॉलेज लेना बोरिंग लगता है ना, ना, ना। तो उसको मैं एक्टिंग भी तो कर रहा हूं, पढ़ाई और एक्टिंग साथ साथ, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, देखो डेटा याद नहीं रख रहे ज्यादा, लेकिन ये डेटा तो नीट के लिए और बोर्ड के लिए दोनों के लिए याद रखना है, यू मस्ट रिमेंबर बेटा ये क्वेश्चन। चले आइए इस क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू द IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, बोर्ड में भी पूछ सकता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस बेटा एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस रेड लिस्ट बनाता है। अब रेड लिस्ट क्या है बच्चे, रेड लिस्ट का मतलब ये जो इंटरनेशनल यूनियन है ना कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसकी जिम्मेदारी है कि भाई दुनिया में कोई भी स्पीसीज खत्म होता है ना या खत्म होने वाला है या इंडेंजर्ड है, उसका आप एक फ्लो चार्ट बनाएंगे और बुक पब्लिश करेंगे कि पूरी दुनिया को पता चले कि कौन स्पीसीज खत्म होते जा रही है। इसको हम कहते हैं रेड लिस्ट, बुक है कैटलॉग का फॉर्म है। तो उसने 2004 में शाया किया था, पब्लिश किया था, कितनी स्पीसीज खत्म हुई है आपकी किताब में, रिसेंट भी है लेकिन आपकी किताब में 2004 का डाटा, बताएं बच्चे आंसर। इतिशा यादव सालिया परवीन मनीषा पांडे वन, यस बेटा तो मजा तो तब है कि अब आप इसमें बताइए 784 स्पीसीज IUCN के मुताबिक खत्म हो चुके, इसमें कितना वर्टिब्रेट है, 338 वर्टिब्रेट है, 359 इनवर्टिब्रेट है और 87 क्या है बच्चे एनसीईआरटी में ये मेंशन है, 788 क्या है, हम यार फातमा 338 क्या है वर्टिब्रेट, 359 क्या है इनवर्टिब्रेट और 87 क्या है बताएं, प्लांट्स, यस किसी ने नहीं बताया था, शादी ने बताया मेरे ख्याल से, प्लांट्स इतनी स्पीसीज खत्म हो सकी है, इनको जब आप ऐड करेंगे तो कितने हो गए 784। ये डेटा याद रखना है बेटा, ये डेटा याद रखना है, 338 क्या होते हैं बेटा वर्टिब्रेट, खत्म हो चुके हैं, हमारी ग्रीड ने इनको खत्म कर दिया है, सोचो कितने सेल्फिश है हम लोग, वी द ड्वेलर ऑफ दिस प्लैनेट, ठीक है, 338 वर्टिब्रेट को खत्म कर चुके हैं, 359 वर्टिब्रेट, ये मैं नहीं कह रहा रेड लिस्ट कह रहा है, और 87 प्लांट्स खत्म हो चुके हैं प्यारे, इनको जोड़ देंगे आप ऐड कर देंगे तो 784, सो द राइट आंसर विल बी 784। चलिए आप थोड़ा रेस्ट करते हैं और आप लाइक की बटन प्रेस कीजिए फटाफट। अच्छा वीडियो अपलोड होने के बाद भी तो कमेंट कीजिए कि सेशन कैसा लगा कैसा नहीं लगा, क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। वैसे तो ऑफलाइन की दुनिया में हम लोग बादशाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम अकेले बायो में पढ़ाते रहे जमाने से, लेकिन ऑनलाइन की दुनिया में तो पहली साल है ना, अभी इब्तदाई इश्क है,
तो आपको जल्दी जल्दी लाइक की बटन क्लिक करें। ओके, नूर फातिमा ने भेज दिया लाइक, तलहा ने भी लाइक भेज दिया, थैंक यू तलहा। चलिए अंशिका थैंक यू, नूर फातिमा थैंक यू, अचीवर अचीवर बेटा, और सर क्या, और सर अचीवर ने भी लाइक भेज दिया, ठीक है। आलिया परवीन भी, शादिया ने रोज भेज दिया, रोज नहीं है ये, बैगन है क्या? नो पिंक कोई फ्लावर है अलग। नूर फातिमा बिल्कुल सर, ओके चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये याद रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू IUCNS 784 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जिसमें 338 वर्टिब्रेट है, 359 इनवर्टिब्रेट है, 87 प्लांट्स है। गॉट इट? ठीक है, ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से है बच्चे, लेट अस सी द क्वेश्चन। कहां से है बेटा? तो ये बायोटेक्नोलॉजी से, चलो देखते हैं। शादिया ठीक है ठीक है। असरसर में क्या लिखा है देखिए इधर, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोज एनिमल्स हुज डीएनए इज मैनिपुलेटेड टू पोजेस एन एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा फोल्ड। क्या ये सही है? असरसर तलाब पढ़े मेहर शादिया सब लोग के लिए, अबाउट मोर देन 95% एनिमल आर माइस। बताइए ट्रांसजेनिक एनिमल किसे कहते हैं? प्रिंस ए ऑप्शन बता रहे हैं रीजन, चलिए बताते चलिए बताते चलिए, ये तो रीजन ही नहीं है इसका। मेयर फातिमा ए इज ट्रू। आप लोग देखिए ये तो ट्रांसजेनिक एनिमल सही स्टेटमेंट है, ये भी सही स्टेटमेंट है, हाँ लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं ना उसकी अच्छी। चला ये तो आप लोग लिख रहे बेटा, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर सर। ट्रांसजेनिक एनिमल क्वेश्चन तो मैं खुद भी ठीक सर, ट्रांसजेनिक एनिमल आर दोज एनिमल हुज डीएनए मैनिपुलेटेड एक्सप्रेस एन रीजन अबाउट। नहीं यार ये रीजन नहीं है, दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन वो रीजन नहीं है। यानी इसका आंसर क्या होगा? ये बी, ये बी सही है, सेकेंड सही है बेटा। लोग समझ में आ गया? यस ऑप्शन बी मेहर फातिमा राइट, ठीक है ना। सेल्वी भी बता रहे हैं बी, चलिए सेल्वी, कभी कभी सेल्वी अपियर हो रही है, वेरी गुड। यैया तुम आंसर नहीं देते हो, पर जितनी बातें कह ली जाए कि कीजिए तो आप करते रहेंगे। चलिए हाँ तला बी ऑप्शन। देखो बेटा लोग एग्जाम में ना असरसर रीजन क्वेश्चन को बहुत कूल होकर करना है, जहां हड़बड़ हड़बड़ की है ना गलत होना है। बोर्ड में भी आ रहे हैं असरसर रीजन और नीट में भी आ रहे हैं, बहुत कूल होकर पढ़ना है, नहीं एनालाइज करना है। असरसर रीजन जानते हो ना कैसे होल्ड करना है, कि आबिद दिन है यह असरसर है, रीजन क्या है सूरज उगा हुआ है, तो दोनों सही है और बी ए का एक्सप्लेनेशन सही है। अभी दिन है, रीजन चांद उगा हुआ है, तो असरसर तो सही है दिन है तो, लेकिन चांद निकला हुआ है ये गलत है, तो इस तरह करना है, ठीक है बेटा। ओके चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, आ जाइए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी बायोटेक्नोलॉजी से, देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है बेटा तो आ जाओ इस क्वेश्चन को देखिए। ट्रांसजेनिक मॉडल्स एग्जिस्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डिजीज। देखिए बच्चे इम्फाइसेमा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ट्रांसजेनिक एनिमल से जो प्रोटीन बनाए जाते हैं इम्फाइसेमा के लिए, ठीक है। यह आंसर लिखिए इम्फाइसेमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस यह भी दिया गया है, रिपोर्टेड है। देखो इसमें जमीन सही है, ये तीनों ट्रांसजेनिक एनिमल से बनाए जाते हैं, इसमें कुछ समझाने की है नहीं। ट्रांसजेनिक एनिमल जाते हैं ना फॉरेन जीन को एक्सप्रेस करने के लिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, ये क्वेश्चन भी अगेन बायोटेक्नोलॉजी से है, देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी से क्या क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा लो एडेनोसाइन डीएमिनेज डिफिशियंसी, एडी आपको याद है ना। अब ये देखिए एडेनोसाइन डीएमिनेज डिफिशियंसी कैन बी परमानेंटली क्योर्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। देखो एनसीईआरटी ने ये चारों मेथड लिखा है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी लिखा है, करेक्शन में व्हाट इज जीन थेरेपी, इट्स द करेक्शन ऑफ अफेक्टेड जीन। कोई बदन में जीन खराब हो गई है वो प्रोटीन नहीं बना रही है, अब आप क्या करोगे बेटा? जीन ठीक तो कर नहीं सकते हो, नहीं बड़े होने के बाद पूरे बदन में जीन कहां कहां किस किस सेल से ठीक करोगे, तो क्या इलाज है कि भाई तू वो प्रोटीन नहीं बना रहा है, ले मैं बाहर से बॉडी को दे रहा हूं, बॉडी को थोड़ी पता है बाहर से आ रहा है या अंदर से प्रोड्यूस हो रहा है। तो एक तो ये तरीका है,
तो ये लिखा है एनसीईआरटी में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, जीन थेरेपी, ऑल ऑफ दिस। तो लेकिन यहां पे एक वर्ड याद रखना बेटा, परमानेंट लिखा है। एनसीईआरटी को जब आप पढ़ेंगे ना, तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है, आप देखिएगा, अभी आज सेशन के बाद पढ़े बेटा लोग, लिखा है। हाँ बताए पहले आप लोग आंसर देख लो, उसके बाद में बताता हूं। ऑप्शन सी, सी मतलब थ्री, यस सही है। एनसीईआरटी ने लिखा है कि ऊपर वाले जो है ना नॉट परमानेंट क्योर, ये इसमें एनसीईआरटी ने लिखा है कि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में सेल कम्स होते हैं, कम होते हैं, उस वक्त आप ठीक कर सकते हो, और जब ठीक कर दोगे तो परमानेंट क्योर हो सकता है, चेंज कर सकते हो। ठीक है बेटा, डन, ओके। चलिए क्वेश्चन 16 क्या है, क्वेश्चन 16 क्या है, द प्रोटीन फॉर्म द फ्लोइंग बीडी टॉक्सिन इन क्रायोन क्रायोफिल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग। बताइए, जो जीन होता है आपने बीडी कोलन के बारे में सुना होगा ना, तो लेपिडोप्टेरस ग्रुप है वो किस पे अटैक करती थी। एक्चुअली क्या होता है कि इसमें जो होता है बीटी कोटन में क्या है, इसमें के क्वेश्चन क्या है कि ये रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, किसको कंट्रोल करता है ये जीन, प्रोटीन किस इंसेक्ट को स्पेशली, बॉल वॉर्म, किसको बेटा, बॉल वॉर्म। ठीक है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एग्जाम्पल, ये सही है आप सब लोग। चलिए थोड़ी एनर्जी घट रही है, थोड़ा सा चाहिए आप लोगों की वो चीज। चलो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, लोग आज हम टाइम पे थे ना 2 बजे। देखो भाई, 2 से 2.5 के बीच में मैं कभी भी ऑनलाइन आ सकता हूं, तो आप रोज एकदम पूरा नीट तक बीच में 18 तारीख से 18 मार्च से लेकर 26 मार्च तक हम नहीं आएंगे ऑनलाइन, 25th तक नहीं आएंगे, फिर 26 से आना शुरू हो गए, सिर्फ बीच में 6 दिन का गैप लेंगे, वरना आज से लेकर अप टू नीट ये प्रैक्टिस सेशन चलती रहेगी, जो बोर्ड वाले अपना बोर्ड भी देंगे और पूरा एकदम बायो का हर चैप्टर को कवर करेंगे हम लोग। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, ओके ये तो हो गया, अब आ जाओ आप लोग आगे, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, ये क्वेश्चन आ जाओ। चलिए ये भी बायोटेक्नोलॉजिस्ट है बच्चे, इसको देखते हैं इस क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को प्यारे, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। याद रहे कि हर रोज हम 30-40 क्वेश्चन जितना भी कर पाएंगे, उसके बाद हम लोग लास्ट में बोर्ड्स के कुछ क्वेश्चन भी करेंगे ऐसे टाइप। चलिए इसको देखते हैं, अ फॉरेन डीएनए एंड प्लाज्मिड कट बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन इन द न्यूक्लियस कैन बी ज्वाइंड टू फॉर्म अ रिकॉम्बिनेंट प्लाजिंग यूनिट। बताइए, कभी भी जेनेटिक सॉल्यूशन किसको कहा जाता है, फेविकॉल किसको कहा जाता है, बताइए इसका आंसर। पला गोयल टू, तला टू, मेयर फातमा बी, यस मेयर फातमा, यानी सारे बच्चे सही बताए, लाइगेज, यस फेविकॉल, डीएनए को जोड़ने के लिए कभी भी लाइगेज का एंजाइम किया जाता है बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काटने के लिए। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, पढ़िए अब इसको, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, नूर फातमा लाइगेज, ठीक है नूर फातमा बहुत सही आंसर बताते जा रही है लगातार, मेहर फातमा भी, आलिया, शादिया, यहिया, पलक गोयल, अचीबर, तला, ये सब मनीषा पांडे, प्रिंस भी, ये सब बहुत एक्टिव बच्चों में से है, वेरी गुड। चलिए इनको देखिए, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट सॉरी, रिकॉग्निशन ऑफ सीक्वेंस इज मेड अप ऑफ 6 बेसेस, यस एनसीईआरटी की लाइन है, रिकॉग्निशन साइज 6 बेस पेयर होता है, याद नहीं है, गड्डा, पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम 6 बेस पेयर याद है, 2, 2, 4, 2, 6 ये घटा, पैलिंड्रोम 6 बेस पेयर, ये सही है बेटा, ये पूछ रहा है, याद रखें, इनकरेक्ट, रिकॉग्निशन साइट आर प्रेजेंट इन क्लोनिंग वेक्टर इन जीन गन प्लांट सेल, एग्जैक्टली जीन गन में, प्लांट सेल में खासकर जीन गन का यूज किया जाता है इंट्रोड्यूस करने के लिए जीन को। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम इज द पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकोट प्लांट, बेटा ये कौन सही है, यहीया बी, बिल्कुल नहीं यहीया, बिल्कुल नहीं बेटा, इतिशा बी, गलत गलत, पलक गोयल 4, यस यस, डाइकोट नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, मोनोकोट, क्या होगा बेटा, मोनोकोट। आमतौर पे एग्रोबैक्टीरियम किस पे अफेक्ट करती है, मेयर फातमा डी बता रही है, वेरी गुड मेयर फातमा, सादिया परवीन भी डी बता रही है, आदिया भी डी, मेयर फातमा मोनोकोट भी लिख दी, यहां पे गलती है, बाकी ये सब सही है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही चल रहे हैं आप लोग।
चलिए तला नहीं तला फोन ये सही है। जीन गन स्पेशली प्लांट सेल के लिए यूज किया जाता है। आप एनसीईआरटी की लाइन पढ़ेंगे कि जीन गन स्पेशली किसके लिए यूज किया जाता है बेटा, प्लांट गन के लिए, प्लांट सेल के लिए, एंट्री करने के लिए। ठीक है ना बेटा, कोई डाउट? चलिए बताइए कैसा चल रहा है सेशन, फिर थोड़ा कमेंट में बताइए, फिर मुझे मोटिवेशन मिले, फिर मैं आगे बढ़ू। चलिए बेटा कैसा चल रहा है सेशन? नूर फातिमा क्लिक कर रही है लाइक बटन की। और बच्चे बताएं कि कैसा चल रहा है सेशन? यैया बढ़िया बता रहे हैं, थैंक यू यैया। मेहर फातिमा बेहतरीन। द अचीवर गलत बात है बेटा, अगर सीख रहे हो तो अभी एकदम फर्स्ट क्लास। आलिया परवीन अवेसम अमेजिंग साडिया परवीन गुड गुड शानदार अचीवर अचीवर शानदार। ठीक है बेटा ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं बेटा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है ये वेलकम सर। ठीक है बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम तला भी कह रहे हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए ज़िया स्टैनफोर्ड, आपको पता है ना कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है? आपको एक बात मैंने बताई थी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाते वक्त कि भाई जैसे देखिए मूवी बनना शुरू हुआ तो मूवी तो जिसकी मर्जी वो सीन डाल दे, जो मर्जी वो मूवी में बनवा दे। हो सकता है कि कोई कंटेंट की वजह से लड़ाई झगड़े हो जाए देश में, तो गवर्नमेंट ने मूवी को कंट्रोल करने के लिए सेंसर बोर्ड बनाई कि सेंसर बोर्ड की नजर रहती है कि किस क्लिप को हटाना है, किसको रहना, बिना उसके अप्रूवल के मूवी नहीं चल सकती। ठीक इसी तरह बायोटेक्नोलॉजी में बेटा जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट है या जेनेटिक इंजीनियर्स हैं ये क्या करते हैं, ये अपनी मर्जी का कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है, किसी और को एडवर्स इफेक्ट कर रही है, क्या कर रही है इससे किसी को मतलब नहीं होगा। वो तो बनाएंगे प्रोडक्ट, अगर मान लीजिए किसी एमएनसी कंपनी को मल्टीनेशनल कंपनी को पैसे की जरूरत हो। बच्चे तीन आंसर बता रहे हैं ठीक है बेटा। तो इसी के लिए बायोटेक्नोलॉजी में भी एक कमेटी बनाई गई जिसे क्या कहा गया बच्चे, ज़ियाक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। बिना इस कमेटी के अप्रूवल के आप नहीं फॉर्म कर सकते हैं कोई भी चीज। तो जो ज़ियाक है ना बेटा, तो ये ज़ियाक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, इससे अप्रूवल लेने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। वेरी गुड, समझ में आ रहा है बच्चों को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा लोग। चलिए और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लग रहा है बच्चे क्या थक गए क्या बना होने के बाद। ठीक है देखते हैं, जब तक बच्चों की नंबर बनी रहेगी हम बने रहेंगे, जैसे ही नंबर बच्चों की डिस्ट्रिक्ट घटेगी हम भी फिर समझ जाएंगे बच्चे थक गए, फिर नेक्स्ट डे के लिए नेक्स्ट डे हम लोग आएंगे। दो से ढाई के बीच में मैं हमेशा रहूंगा। इधर देखें, अ काइंड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्विंग मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए। क्या बता रहे हैं आंसर मनीषा? दो बता रही है। यस यस, देखो बेटा डीएनए रेप्लिकेशन तो डीएनए की कॉपी हो जाना हो गया, डीनेचुरेशन तो क्या होता है डीएनए को रख के जब हीट करेंगे तो वो अलग हो जाते हैं ना। याद करो कहां पे इसकी जरूरत पड़ती है, पीसीआर में पढ़ा होगा आपने, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। और रीनेचुरेशन फिर से जोड़ना, तो आंसर सही क्या है सेकंड, जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए की मैनिपुलेशन की जाती है। अगर आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मेरे ख्याल से, हाँ फर्स्ट में ही नहीं फर्स्ट नहीं सेकंड में, तो सेकंड के सेकंड पेज पे लिखा हुआ है पूरा ये बात, चार बातें लिखी गई है कि बायोटेक्नोलॉजी क्यों जरूरी है, उसमें ये टर्म यूज किया गया है। क्या चीज बेटा? जेनेटिक इंजीनियरिंग। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हेयर डू यू थिंक द प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिशन वुड बी फास्टेस्ट, बताइए। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की इस लाइन को इकोलॉजी में बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं। कल भी मैंने इस पे क्वेश्चन डिस्कस किया था, बताइए इसका आंसर कहां पे डीकंपोजिशन क्या होगी, तेज होगी फास्टर, रेन फॉरेस्ट में, अंटार्कटिका में, अल्पाइन में, या ड्राई एरिड रीजन में? ऑप्शन ए मेहर फातिमा प्लीज, ए मनीषा पांडे, ए तला, ए। वेरी गुड, ठीक है बेटा ठीक है ना, डिकम्पोजिशन फास्टेस्ट, ठीक ठीक। ड्राई रीजन में भी याद रहे एनसीईआरटी की लाइन रखना, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होती है वहां पे ज्यादा डिकम्पोजिशन होता है, एरोबिक कंडीशन हो और टेम्परेचर ज्यादा हो। अगर टेम्परेचर कम होगी और एनएरोबिक कंडीशन होगी तो डिकम्पोजिशन
नहीं होगा, ठीक है बच्चे, तेज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं पहले, ये मैंने कहा नहीं, चलो इसको देखते हैं। ये बताइए नहीं, इससे पहले तो एक और क्वेश्चन है ये, चलिए इसको देखते हैं। बताओ बच्चे इसका आंसर, द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जनरली, आपको पता है ना कि पिरामिड बायोमास का भी होता है, नंबर का भी होता है, एनर्जी का भी होता है। पहले कॉन्सेप्ट सुन लीजिए फिर आंसर बताइए। एक आंसर सुन लीजिए फिर इसका एक कॉन्सेप्ट सुन लीजिए कि द पिरामिड ऑफ बायोमास, देखो पिरामिड जो होता है ना बायोमास का भी होता है, नंबर का भी होता है और उसका एनर्जी का भी होता है। याद रखना बच्चे, एनर्जी की पिरामिड कभी इन्वर्टेड नहीं होती, एनर्जी की पिरामिड जो है ना कभी इन्वर्टेड नहीं होती। क्यों? 10% लॉ ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, यार ये पैन फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन, 50% सूरज की रोशनी पैन होता है जिसे पौधे यूज कर सकते हैं। उस 50% में भी पौधे 2-10% तक यूज करते हैं। कितना यूज करते हैं पौधे? 2-10% तक यूज करते हैं। मान लो यहाँ पे 10,000 जूल पौधों ने यूज किया तो इसके ऊपर कितना जाएगा? 1,000 जूल। इसके ऊपर कितना जाएगा? 100 जूल। इसके ऊपर कितना जाएगा? 10 जूल। तो एनर्जी की पिरामिड इन्वर्टेड कैसे हो सकती है? इन्वर्टेड मतलब ये 10 नीचे आ जाएगा तो फिर ऊपर क्या जाएगा भाई? 10% ही तो जाएगा, 90% यूज हो जाएगा। इसलिए एनर्जी की पिरामिड कभी उल्टा नहीं होती है, ठीक है। बायोमास की उल्टा हो सकती है, नंबर का उल्टा हो सकता है। हाँ आंसर क्या बताया बच्चों ने? तालाब 1। यस, सी का आमतौर पर, क्योंकि बहुत कम फाइटोप्लांकटन होते हैं उस पर ज्यादा जू प्लांकटन डिपेंड करते हैं तो इन्वर्टेड हो जाती है। एनसीईआरटी में भी एग्जांपल है और ये पूछता है एग्जांपल कि बायोमास का जो पिरामिड है ना सी में तो वो इन्वर्टेड होता है, ये पूछता है। याद रखना एनर्जी की पिरामिड कभी इन्वर्टेड नहीं होता, ठीक है। और बायोमास ज्यादातर इन्वर्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए भी, नीट के लिए। अरे अगला क्वेश्चन सही है बच्चे? एनी प्रॉब्लम? थोड़ा पानी पी लूं क्या मैं? चलिए थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। हो गया बच्चे? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। मोस्ट ऑफ द, समझे, मोस्ट ऑफ द फूड चेन आर कंपोज्ड ऑफ, बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक फूड चेन में कितने से कितने स्पीशीज होते हैं बताइए? मोस्टली ज्यादातर कितने होते हैं यार? 3-4। ग्रास, आप देखिए ना, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक, बहुत रेयर केस में ईगल शामिल होता है। तो 3-4 स्टेप होते हैं, ठीक है बच्चे। आउट ऑफ एनसीईआरटी थोड़ी है बेटा, एनसीईआरटी में तो चैन बना हुआ है, ये एनसीईआरटी सही है एचपी पर बेटा, एनसीईआरटी में ये चैन बना हुआ है, आप देखें जरा प्लीज। जहां पर पार लिखा हुआ है ना फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन, तो उसके उसी पेज के नीचे देखेंगे एक फूड चैन बना हुआ है, उसमें 3-4 स्टेप दिया हुआ है, ठीक है बेटा, 40 स्टेप भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये वाला गुड। चलिए बताइए बताइए प्यारे बच्चों, थक तो नहीं गए? चलिए आइए इधर। एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ जस्ट बिफोर द ओरिजिन ऑफ लाइफ कंसिस्टेड ऑफ, क्या आंसर होगा प्यारे बताइए? क्या क्या थी ओरिजिन ऑफ लाइफ से पहले? पलागोल्टीन, आलिया परवीन सी, यस, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर, दिस इज द करेक्ट आंसर। साल्वी सी, हाँ साल्वी कभी कभी अपीयर हो रही हो, गुड गुड साल्वी गुड। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इस पर देखते हैं, इसको देखिए आप लोग। या बहुत देर से आया आपके आंसर बेटा, तालाब 2 गलत है, तालाब सी होगा, आप क्वेश्चन को देखे तालाब सी होगा, ये सही आंसर है, मैं दिखा देता हूं आपको, ये
ये देखिए ये सी ये सही है ना बेटा, ये वाटर पेपर भी थी, हाइड्रोजन भी थी, हाँ ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, आइए इधर, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, लोग देखिए आप लोग और इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट स्प्रेडिंग टू अदर एरिया, एक पॉइंट से शुरू हुआ और अदर एरिया में फैलते गया, क्या हुआ बेटा लोग, क्या हुआ? डाइवर्जेंट या एडप्टिव रेडिएशन भी है, डाइवर्जेंट भी है बेटा, लेकिन किताब में इसको इससे दिया गया एडप्टिव रेडिएशन, ठीक है, इसको डाइवर्जेंट भी कहते हैं। अच्छी पर कन्वर्जेंट नहीं, कन्वर्जेंट मतलब कई जगह से एक जगह पे आ गए कन्वर्जेंट, और एक जगह से कई जगह पे चले गए डाइवर्जेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोट्रोपिक वाला है। चलिए अभी से रिलेटेड तो बस यही तक रहने दे, हम भी तक गए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर ही ले। बोले बच्चे, बच्चों की नंबर कम होते जा रही है, तो अब बताएं। हाँ एडप्टिव रेडिएशन कर सकते हैं आप लोग। चलिए एक लास्ट में जाते जाते इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिलवा दे आपको, ये क्वेश्चन जो एकदम बच्चों की तरह, वही मैं देख रहा था कि जो खत्म होनी चाहिए ना, क्या कहते हैं उसे, हैप्पी फिनिशिंग होनी चाहिए, ऐसा क्वेश्चन जो हर बच्चे को आए, हैप्पी एंडिंग, सॉरी फिनिशिंग कह रहे हैं, हमेशा हर चीज की एंडिंग क्या होती है बच्चे, हैप्पी एंडिंग। मेयर फातिमा अभी नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है बताना है। हाँ आप तो भी थक गए छुट्टी करने के, बच्चे मांग कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हम तो पूरे 40 दिन तक लगे हैं। चलिए इधर आइए, क्वेश्चन क्या है मेरा बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए और सबको आंसर बताने की कोशिश करिए। आइए चलिए, फ्लोइंग आर इंडिकेटिव साइन विच इंडिकेट इंप्रूव द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, आप पे छोड़ दिया। बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम, बी बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडी, थ्री बेटर पोस्टनेटल केयर बच्चे की पैदाइश के बाद, इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विथ लार्ज फैमिली, बताइए कौन इसमें से सही है। ऑप्शन कहा, ये वाला वन होगा ना, ये भूल गई क्या देना, चलिए मैं स्टेटमेंट बता रहा हूं, बताइए कौन सही होगा इसमें से, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए, तो जैसा कि मेरा ये कहना है कि बेटा हर एमसीक्यू के बाद हम बोर्ड के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, तो तलाब बेटा ठीक है, इसका आंसर आसान है वो आप दे सकते हैं। अब मैं बोर्ड का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, हर रोज नीट के क्वेश्चन के बाद हम कौन सा क्वेश्चन डील करेंगे बेटा, तो बोर्ड का क्वेश्चन डील करेंगे, क्योंकि बच्चे कई ऐसे हैं जो बोर्ड के एग्जाम के लिए भी हैं, ठीक है बेटा लोग। तो चलिए अब आइए बोर्ड का क्वेश्चन सोल्व करते हैं, दो चार क्वेश्चन अब बोर्ड के सोल्व करेंगे, ठीक है। तो जो बच्चे ड्रॉपर हैं, जो नीट के लिए स्पेशली पढ़ रहे थे, वो अब चाहे तो जा भी सकते हैं या चाहे तो सुन भी सकते हैं, क्योंकि चीजें एनसीईआरटी की है और बोर्ड वाले भी सुन सकते हैं। चलिए, केटल एंड गोट्स डू नॉट ब्राउज द केलोट्रोपिस प्लांट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट गिविंग रीजन, बताइए बोर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सुनो लास्ट क्वेश्चन अभी बता रहे हैं, पहले इसको देखे बेटा लोग, उसमें तीनों सही होगा ना बेटा, के बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजीज को कंट्रोल करना, पोस्टनेटल केयर करना, और भी एक था मेरे ख्याल से, तीनों सही है, पहले इसको देखते हैं। केटल एंड गॉट्स डू नॉट ब्राउज द केलोट्रोपिस प्लांट, केटल जो है और गॉट्स है केलोट्रोपिस प्लांट को नहीं खाते, क्यों, रीजन दीजिए, इकोलॉजी से ये क्वेश्चन है। और ये जो है बेटा लोग, ये किसका क्वेश्चन है, इकोलॉजी का क्वेश्चन है, किसका है बताइए, मेहर केलोट्रोपिस कहां पढ़ा है आप लोगों ने, पहले तो मुझे ये बताइए केलोट्रोपिस और केटल्स का रिलेशन कहलाता क्या है, केलोट्रोपिस और लेसन क्या कहलाता है, बता रहे बेटा आंसर, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ ले दो, केलोट्रोपिस और उसका क्या कहलाता है, केलोट्रोपिस और केटल्स की रिलेशन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा लोग, इकोलॉजी तो है लेकिन इस रिलेशन को क्या कहते हैं,
प्रीडेशन, क्या कहते हैं बेटा? प्रीडेशन, प्रीडेशन क्या होगा बेटा? लोग प्रीडेशन, अरे पहले ये सुनो, प्रीडेशन फोर्थ इसमें एमसीक्यू थोड़ी है, प्रीडेशन होगा, क्या होगा बेटा? लोग प्रीडेशन, प्रीडेशन में देखो केलेटोपिस क्या होती है कि ये पौधा है प्लांट, केटल इसको खा जाते थे, तो इसने क्या किया, अपने अंदर चेंजेस लाया केमिकली। अब इसको केटल खाते हैं ना तो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, अनकंफर्टेबल। तो आप जस्टिफाई में क्या लिखेगा कि केलेटोपिस एंड केटल रिलेशन इज प्रीडेशन। सो टू सेव फ्रॉम द केटल, केलेटोपिस डेवलप्स केमिकल बाय ईटिंग केलेटोपिस, केटल फील अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल। ग्लाइकोसाइड्स भी लिखा है, ठीक है, अनकंफर्टेबल। हाँ तो आप सिर्फ नीट के लिए पढ़े, फिर कल आए, रोज नीट का पहले क्वेश्चन होगा, फिर बोर्ड का करा देंगे 3-4 क्वेश्चन, इससे बोर्ड वालों को भी फायदा, नीट वालों को भी फायदा। चलो बेटा, तो ये देख लीजिए, जस्टिफाई कर लिया स्टेटमेंट को, ये सबको समझ में आया? 64 नंबर क्वेश्चन बेटा, ये बोर्ड के लिए है स्पेशली। हाँ मेयर फातिमा, प्रेडेशन है। चलिए अब ये देखिए, राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ सोर्स ऑर्गेनिज्म ऑफ द स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज इन पीसीआर। बताइए पीसीआर में जो यूज किया जाता है पॉलीमरेज, पहले तो आप उसका नाम बताइए, और क्वेश्चन ये है कि किस स्पीशीज से लिया जाता है, अचीवर कौन है बेटा? अचीवर आप अपना नाम बताएं, अचीवर लिखते हैं कि अल्लाह हाफिज सर, ध्यान रखें आप अपना, हमारी मदद करते रहे, नाम बताते रहे प्लीज। चलिए तो मैं क्या बता रहा था, बताइए डीएनए पॉलीमरेज किस स्पीशीज से लिया जाता है? यस, टेक डीएनए पॉलीमरेज, आलिया परवीन ने सही बताया, मेयर फातिमा ने सही बताया, टेक पॉलीमरेज, लेकिन लिया किससे जाता है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देखो गड़बड़ है, सोर्स किस बैक्टीरिया से लिया जाता है? याद रहे ये थर्मल थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज है, किससे लिया जाता है? किससे? किससे? ऑर्गेनिज्म का नाम, बिल्कुल। अच्छा कैफ, आप कैफ हैं, चलिए कैफ, गुड। चलिए ये बताइए किस स्पीशीज से लिया जाता है डीएनए पॉलीमरेज? मैं समझ गया एचएससी से है कैफ, ठीक है। थर्मस एक्विटिकस द अचीवर सही बताएं, थर्मस एक्विटिकस। देखिए एक तो बड़ी बात ये है बच्चे की, थर्मोस्टेबल है, यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ना पीसीआर में हीट से ब्रेक ना हो जाए, तो लेकिन ये किस स्पीशीज से लिया जाता है? थर्मस एक्विटिकस, ये बोर्ड में देख लीजिएगा बच्चे, बहुत जरूरी है, यूज इन पीसीआर में भी है। अच्छा ये क्वेश्चन भी पूछा, स्टेट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, इसका क्या फायदा है? थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज यूज करने का क्या फायदा है? बोर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका एक आंसर तैयार कर लीजिएगा, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं। देखो थर्मोस्टेबल से क्या फायदा है, जब पीसीआर करते हैं बेटा तो उसमें हीट करते हैं कूल करते हैं, हीट करते हैं कूल करते हैं, तो हीटिंग और कूलिंग करेंगे, अगर थर्मोस्टेबल डीएनए नहीं यूज करेंगे तो डीएनए छोड़ हो जाएगा, टूट जाएगा, फिनिश, आपका पीसीआर धरा का धरा रह जाएगा, है ना? इसीलिए हम स्टेट द एडवांटेज ऑफ हम थर्मोस्टेबल डीएनए का यूज करते हैं कि वो डैमेज ना हो जाए, हीट को बर्दाश्त कर सके, है ना? चलिए नूर फातिमा सही, ओके बच्चे आप सेशन खत्म ही करेंगे, आप बिल्कुल ना घबराए, ठीक है बेटा? चलिए खत्म करें सेशन, बताएं कल फिर मैं दो से दो पंद्रह के बीच में आ जाऊंगा, एकदम ढाई नहीं होगा, 2 से 2:20 तक, आज भी मैं 2:10 में ही आ गया था। पहले बताएं आप कमेंट में बच्चे लोग कि आप लोगों का आज का सेशन कैसा लगा, बताएं कमेंट में, यार मोटिवेशन मिलेगी ना। अल्लाह हाफिज। अंशुल नहीं है आज, क्या बात है, अंशिका भी बहुत ज्यादा आंसर नहीं दी है आज, इतिशा भी नहीं दी है, इतिशा अंशुल पलक गोयल आंसर दी है, बहुत ज्यादा पलक गोयल आंसर दी है, अचीवर दिए, मेहर फातिमा दिए, आलिया, शादिया, नूर फातिमा, तला तो दिए ही है, वो यहिया भी थोड़ा बहुत दिया आंसर, प्रिंस तो लेट से है, पलक गोयल करिए, थैंक यू सर, थैंक यू, मेहर फातिमा करिए, माइंड ब्लोइंग। हाँ बेटा आप प्रिंस आप लेट से आए इसलिए आपको उतना मजा नहीं आया, फंटास्टिक, नूर फातिमा कहती है फंटास्टिक,
ओके ओके, ये नूर फातिमा पता नहीं, नूर फातिमा तो आलिया परवीन अमेजिंग सेशन सर, सादिया परवीन थैंक यू ओके बेटा लोग आप लोग की ये लाइक, अच्छा आप वीडियो अपलोड होने के बाद कमेंट भी करें बेटा लोग, उससे क्या होता है मोटिवेशन मिलता है। मैं कमेंट कभी कभी पढ़ता हूँ तो दिल बाग बाग हो जाता है, समझ रहे हैं। मैं फातिमा लिख दिया बहुत खास सर, थैंक यू बेटा लोग, आप लोग की ये चीजें हैं जिसकी वजह से मैं एकदम फॉर्म में रहता हूँ। क्लियरिटी में कोई कमी तो नहीं रही, ठीक 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 है बेटा लोग, और सब बताइए कोई इश्यू। कल से मैं बोर्ड के क्वेश्चन और फोकस करूंगा, मतलब मैं अब एक टाइम बना लूंगा कि उतना देर तक नीट के लिए चलूंगा, उसके बाद हम 25-30 क्वेश्चन नीट के लिए होंगे, उसके बाद कम से कम 10 क्वेश्चन हम बोर्ड के लिए करेंगे, ठीक है। अब बोर्ड के क्वेश्चन और बढ़ाते जाएंगे दिन ब दिन। बाय, जय हिंद जय भारत, बाय।